जमाल बहुत अच्छी आ रही इधर देख। गबर सिन्हा याद आ रहा है भाई। चलो भाई छोटी सी बिल्ली छोटी सी थैंक यू आप अपनी ब्लॉगिंग में कर ली। व्हाट इज दिस सर लुट गई है भाई नहीं आना यहां पर सब एक कपड़ों में बोल रहा था सब आ जाना इधर कोई नहीं आ रहा लगा रहा गलत बात है भाई बंद करो कमीज है कमीज मंगो पीर हम आए थे यहाँ पे हमजा भाई ने हमारी दावत की थी और दावत खाने के बाद हम सबने सोचा कि यार मंगो पीर नदी चलते हैं। मंगो पीर आ चुके थे तो नदी भी आए। नदी पे आने के बाद यहाँ थोड़ा रश था, हम नहाना नहीं चाह रहे थे, वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था तो हम थोड़ा सा आगे गए। आगे जाकर हमें ऐसी थोड़ी सी सुनसान सी जगह मिली जो ज़्यादा यहाँ पर रश नहीं था तो हमने बोला चलो यार अब इतने आए नहा भी लेते हैं तो हमने नहा लिया और मेरे बालों से आपको लग रहा होगा जितने ये गीले हो रहे हैं तो दो चार साथियों ने और नहाया नीचे से जो है वो नीचे जरा इशू है इसलिए उन्हें दिखा रहे। अच्छा तो दूसरी यहाँ के आने की ये एडवाइस करूँगा कि सफ़ेद कपड़ों में मत आइएगा। दूसरा ये लाजमी आइए, कराची में ऐसी खूबसूरत जगह हैं जो कि बिल्कुल आपको ट्राइबल या फिर इंटीरियर का जो लुक कराती हैं और शशे कराती हैं तो बहुत मज़ा आता है आपको। और उसके अलावा भी हमारा इरादा है हम जाएंगे मंगो पीर बाबा के पास उनके मज़ार पर और वहाँ पर जाके ज़रा क्रोकोडाइल्स देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं किन किन साथियों के साथ आया हूँ। पूरा तो करने दो, कैमरामैन बहुत मस्ती चढ़ ली है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ किन किन साथियों के साथ आए और फिर उसके बाद चलते हैं आपको क्रोकोडाइल्स दिखाते हैं। बीच में भाई फॉलो करो जमाल भाई को, बड़े प्यारे प्यारे ब्लॉग्स बना रहे हैं हम लोग माशाल्लाह से। जमाल भाई की बदले इसी जगह पर आए, लाइक एंड फॉलो। ओके बस प्यारे प्यारे लोगों के साथ घुमा कीजिए जैसे जमाल भाई हैं। बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो ताकि लोग आ सके, हमारी लोकेशन भी देख लो एक बार। ये जमाल भाई टैग भी कर देंगे सबको। शुक्रिया, हमने बहुत एंजॉय किया नहा के। बाकी कोई नहाया नहीं है, ममोले है, पता नहीं क्या है ये लोग। हमने बहुत एंजॉय किया। गुड जी भाई, ज्यादा नहीं बस अमेजिंग। बहुत अच्छी जगह है, बहुत एंजॉय किया। आप लोग भी आओ जरूर। नमन भाई, दिस वाज रियली अ नाइस प्लेस। रियली हमजा भाई जिसने हमारी दावत की थी। और हम भाई ये मंगो पीर के इलाके यहाँ, ये बहुत खूबसूरत इलाका है, हरी भरी जगह है। आप लोग सब यहाँ पे आइए। जो लोग कहते हैं कि मंगो पीर का इलाका जो कि एक गलत नाम से लोग इसको जानते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि इस मंगो पीर के इलाके में बहुत अच्छी अच्छी जगह भी है। थैंक यू। और बाकी जमाल भाई की फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जमाल भाई जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू हमजा भाई। बाबा मंगो पीर के मज़ार पे हम आए हैं और यहाँ पर जो क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं, एक अजीब सी वाइब करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर पड़े हुए हैं जिनको क्राफ्ट किया गया है क्योंकि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और एक लम्हे के लिए तो शुरू में फर्स्ट इंप्रेशन यही लगा मुझे जैसे कि ये मरे पड़े हुए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये जिंदा है, यानी क्या कह सकते हैं। तो दूसरा ये जो इंप्रेशन मतलब एक वहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, मैं अगर आपको नज़र आ रहा हूँ वहाँ कोने पर। तो दूसरा ये यहाँ का पानी ना बहुत गंदा है और मगरमच्छों को इस हालत में यहाँ रखना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो गफलत की नींद सो रही हैं और उनको ज़रा भी ख्याल नहीं है ना शहर कराची का और ना यहाँ की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ना वहाँ का है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा अगर कोई देख रहा हो और कि वो यहाँ पर कोई एक्शन लें और करें, इसको ऐसी जगह बनाएं जहाँ आया जा सके। और सेकंडली मैं यहाँ पर एक ग्रिल के ऊपर खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे बहुत छोटी सी ग्रिल है तो इसको देखने का भी कुछ खूबसूरत मंजर नहीं है कि बंदा ठीक से इसको ऑनर के साथ देख सके, तो उसके ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहिए। और आप लोग भी शेयर करें ताकि इसको कोई देखे और किसी की नज़र में आए और उसके ऊपर कोई एक्शन ले। बहुत सी वीडियोज़ यहाँ पे आके बनी होंगी। उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। अच्छा तो ये मना कर रहे हैं यहाँ ऊपर चढ़ने से, यहाँ एक्चुअली मैं चढ़ा था तो ये हालात हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बाकी कुछ खास ये है नहीं जगह,
अगर आप आना चाहें तो एक आध लम्हे के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं। और दूसरा यहाँ एक छोटा सा मेला सा बाजार सा लगा हुआ है, जरा मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं जैसे, ठीक है। तो ये हमारा मंगो पीर का बाजार है और मज़ार है, बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं है। और जो बातें मैं बता चुका हूँ शेयर करें ताकि अफाका हो सके। तो ये जगह ज़रा भी इम्प्रेसिव नहीं लगी मुझे, और यहाँ पर तवज्जो की ख़ास ज़रूरत है, यहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए, इस जगह को ज़रा प्रॉस्पर करना चाहिए। और बस यही मेरे रिमार्क्स हैं। तो अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पर वापस आ गए हैं, यहीं से सारे मिले थे और यहीं से सारे गए थे, और ये सारे शहजादे आ गए हैं मेरे बैठे हुए हैं, और एक गया रक्षा लेने के लिए क्योंकि कुछ साथी विदाउट बाइक आए हैं। बस अभी यहाँ से सब अलविदा अलविदा होंगे, और आपको भी अलविदा कहते हैं। अपनी ईद अच्छे से गुजारी है और अपने अजीज़ों से मिलिए, मज़े कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ हम ऊंचा बोल ऊंचा बच्चों को आवाज़ आएगी। जमाल अवध रेखा जू। तो इसी के साथ हमारी आज की ट्रिप होती है इख्तिताम पे। तो इसी के साथ हमारी आज की ट्रिप इख्तिताम पे पहुंचती है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।